Okay, so the next question is, let W1 be the point obtained by the rotation of Z1. Z1 की वैल्यू हमारे पास मेंशन है 5 + 4i अबाउट द ओरिजिन थ्रू द राइट एंगल इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड W2 बी द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन ऑफ Z2 इज इक्वल टू 3 + 5i अबाउट द ओरिजिन थ्रू ए राइट एंगल इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन. ओके, सो Z1 का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक वाइज है और Z2 का जो रोटेशन है वो क्लॉक वाइज है. ओके, तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ W1 - W2. ओके, सो W1 क्योंकि जो हमारा रोटेशन है उसको अगर हम लिखना चाहें W1 इज इक्वल टू अगर Z1 के फॉर्म में तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये W1 इज इक्वल टू W1 को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ W1 इज इक्वल टू iZ1, राइट, इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ. और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो मैंने iZ1 ले लिया. ओके, और तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी Z1 की वैल्यू हमारे पास मेंशन है 5 + 4i, राइट, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5i और 4i × i हो जाएगा i² 4i² और i² की वैल्यू हमारे पास -1 होती है तो ये हो जाएगा -4, राइट, विच कैन बी फाइनली रिटेन एज -4 + 5i, राइट. ये हमारे पास W1 आ गया. W2 हमारे पास जो आएगा W2 का रोटेशन जो है वो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या है, हम इसको लिखेंगे अगर तो ये लिखेंगे -iZ2 और Z2 की वैल्यू हमारे पास है, पहले मैं Z2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 3 + 5i, राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3i और i² -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5, राइट, ये हमारे पास Z2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ओके, ये +5 हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5 इसको हम लिख सकते हैं -3i + 5, राइट, ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा W2 का, राइट, ये W2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, राइट, ये W2 की वैल्यू हमारे पास आ गई. नेक्स्ट हमारे पास W1 और W2 आ गया तो मैं W1 - W2 कर सकता हूं. W1 - W2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + 5i - 4 + 5i, ये W1 की वैल्यू है और W2 की वैल्यू हमारे पास आई है 5 - 3i, राइट, तो ये W1 - W2 हमारे पास जो आ जाएगा -9 + 8i आ जाएगा, -9 और ये +8i आ जाएगा. ओके, ये हमारे पास W1 - W2 की वैल्यू आ गई और हमें इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है. प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा हो जाएगा tan inverse 8/-9, राइट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ से tan inverse 8/, राइट, ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा. अब ये tan इनवर्स हमारा जो ऑप्शन है ये पाई के टर्म में है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ पाई माइनस tan इनवर्स 8/9, राइट, ये जो हो जाएगा tan inverse 8/9 ये हमारा इक्वल आ जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा πt (tan inverse 8/9). तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा, राइट.